पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि शादी के नाम पर 50 से अधिक भोली भाली युवतियों को अपने जाल में फंसाकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। दरअसल आरोपी साजिद शादी.com में अलग अलग नाम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर महिलाओं से ठगी करता था। वहीं नवाबगंज की रहने वाली फार्मासिस्ट ने अपने साथ हुई ठगी की सूचना नवाबगंज पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने छानबीन कर आरोपी साजिद को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं गैंग के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए जुट गई है। बता दें कि क्राइम ब्रांच के द्वारा गिरफ्तार किया गया अभियुक्त बरेली निवासी साजिद के रूप में हुई है। आरोपी ने अपने आधार कार्ड में अपना नाम पता बदलकर राजस्थान का डाला हुआ था। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी क्राइम सलमान ताज पाटिल ने बताया कि इस गैंग में 7 लोग हैं, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। ये 6 अक्टूबर 2021 को नवाबगंज थाने में महिला के द्वारा शिकायत की गई, जिसमें FIR दर्ज की गई और साइबर सेल और क्राइम ब्रांच में इसकी तफ्तीश शुरू की गई। इसमें ये पता चला कि एक बहुत बड़ा गिरोह काम करता है, जिनके पास कम से कम 5 से 7 व्यक्ति इस गिरोह में इन्वॉल्व हैं, महिलाएं भी हैं। और हमारे पास जो अरेस्ट हुआ है उसका नाम साजिद है, रहने वाला UP का है, मगर ये राजस्थान में रहकर ज़्यादा अपना काम करता था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNewsFlash।